विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विजय चौक स्थित एक होटल में पर्यटन समावेशी विकास की ओर विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, जीडीए के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय शुक्ला, इंटेक के एमके कंदोई, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि पर्यटन के विकास से रोजगार सृजन की बाधा को पार किया जा सकता है। डीएम ने कहा कि जनपद में पर्यटन का जितना विकास होगा उतना ही अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक काफी संख्या में आते हैं, साथ ही साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को संस्कृति के साथ भी जोड़कर कार्य किया जा सकता है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में विगत 4.5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ के पर्यटन संबंधित विकास के कार्य हुए हैं, साथ ही साथ अवस्थापना सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि हमें अपने धरोहरों के बारे में लोगों को जानकारी देने हेतु विभिन्न आयामों पर कार्य करना होगा। इस अवसर पर जीडीए वीसी प्रेम रंजन सिंह ने कहा कि जनपद में पर्यटन के विकास की अपार संभावना है। गोरखपुर में होटल उद्योग में कई होटल स्थापित होने के साथ साथ जनपद का अन्य स्थानों से कनेक्टिविटी भी अच्छी हो रही है, जिससे जनपद को पर्यटन के विकास में मदद मिल रही है। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के अजय शुक्ला, इंटेक के एमके कंदोई ने भी पर्यटन के विकास के बारे में अपना विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर आरटीओ पर्यटन रविन्द्र मिश्रा ने जनपद में पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। विश्व पर्यटन दिवस है और मैं बार बार सर के लिए भी कहता हूँ, बहुत मुश्किल होता है भैया, सीधे गुजारिश करूंगा, बना रहे हमारे वीसी सर, हमारे अजय शुक्ला सर, हमारे कंदोई सर, ये खास आपके लिए प्रोग्राम आयोजित किया गया, चूंकि आप सभी होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इस तरह से हम कहें, गाना रफी साहब ने गाया था कि आओ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा। और आज के आप समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी के पद पे रहते हुए समय को निकालना कितना मुश्किल होता है, और खासतौर से वर्तमान जिलाधिकारी महोदय हमारे जो हैं वो शायद हमें लगता है कि 15 से 16 घंटे सर काम करते हैं, रात को जब कभी भी 12 बजे भी फोन किया तो सर फटाफट फोन उठाते हैं और तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। सर आज आप सभी अवगत हैं कि आज विश्व पर्यटन दिवस है सर, और आज की थीम है सर समावेशी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से समावेशी विकास की ओर पर्यटन अग्रसर, ये थीम दिया गया पूरे वर्ल्ड को सर। उस थीम के तहत में सर हम सभी मिलकर के आप सबके सहयोग से, खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय पर्यटन मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी ये विकास का काम कर रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न ही पर्यटन परिपथ हैं, उन सारे परिपथ पे एक साथ में कार्य किए जा रहे हैं। अब अवगत है रामायणा सर्किट, पुलिस सर्किट, सूफी सर्किट, जैनिज्म सर्किट, बुद्ध सर्किट, तमाम जगहों पे मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आप सभी अवगत होते हैं, तमाम डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। और ये सच है कि टूरिज्म ने जितना डेवलपमेंट पिछले 4.5 सालों में किया, एग्जाम्पल के तौर पे आप गोरखपुर को देख सकते हैं, गोरखपुर के जो भी डेवलपमेंट के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में समेकित रूप से अभी हो रहे हैं सर। शायद ऐसा कोई भी सर अवगत कराऊंगा कि ऐसा कोई भी सर इम्पोर्टेंट प्लेस शायद अछूता ना हो जहाँ के टूरिज्म ने कुछ काम ना किया हो। और आपसे भी अवगत है कि टूरिज्म अपनी फंडिंग से भी करता है, कुछ कार्य ऐसे भी हैं इम्पोर्टेंट कार्य जो अन्य डिपार्टमेंट के सहयोग से ऑनरेबल विशेष आप के माध्यम से, फिलोडी के माध्यम से, नगर महोदय के माध्यम से सरकार डिपार्टमेंट करते हैं सर, उस प्लेस को सुंदर बनाए जाने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रों को किया है उसमें एक शिक्षा और एक पर्यटन, दो चीजें बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। शिक्षा तो किसी तरीके से मैनेज हो गई, हम लोग उसी फील्ड के हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से बहुत चीजों को किया, लेकिन पर्यटन वास्तव में पूरी तरीके से प्रभावित हुआ क्योंकि उसमें कोई भी चीज ऑनलाइन संभव नहीं थी। और 27 सितंबर 1980 से जब से UNWTO ने इसे विश्व पर्यटन दिवस के रूप में घोषित करने की घोषणा किया था, तभी से प्रत्येक वर्ष एक खास थीम ले जाकर के इस दिन को मनाया जाता था।
जैसे 2020 में टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट एक खास थीम रखी गई थी, और इस बार जैसा हमारे आरटीओ साहब ने बोला, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया है। और वास्तव में टूरिज्म अगर देखा जाए, जो हमारे SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको उनके ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं, लगभग 4 से 5, वो टूरिज्म के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। सुविधाएं हैं वो प्रदान करते ताकि पर्यटन का विकास हो, और उसके साथ ही फायदा और होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि एक पर्यटन स्थल पर अगर 10 दुकानें खोलेगी तो लोगों का रोजगार मिलेगा। ज्यादा ये बहुत लंबा विषय, ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, सबको धन्यवाद। अभी जैसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, वो भी 1 साल में तैयार हो जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट से तमाम अलग अलग शहरों की कनेक्टिविटी भी कई जगह से हो गई है, कई जगह से अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, तो अचानक से इतना सारा जो कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है गोरखपुर में, उससे इन्फ्लक्स बहुत बढ़ जाएगा टूरिस्ट का। लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए होटल्स की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे पास एक 5-स्टार होटल है रेडिसन, यहाँ बैठे हुए एक मैरियट होटल बन रहा है, ताज भी जल्दी ही मुझे लग रहा है कि उसका काम शुरू हो जाएगा। तो होटल्स की व्यवस्था हो, कम्युनिटी टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, जैसे 2 बहुत ही सुंदर कम्युनिटी टॉयलेट अभी आप लोगों के यहाँ से अप्रूव होके आया है नया सवेरा क्षेत्र में बनने के लिए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। एक बहुत ही सुंदर फूड कोर्ट का प्लान चल रहा है कि लोग आए तो उनके लिए ऐसी जगह हो जहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सके और सारे ब्रांड्स हो फूड कोर्ट में और वो लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सके। तो इस तरह से करके बहुत सारे प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे जगह का आप लोगों ने प्लान करके रखा हुआ है। हम लोग भी विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी शहर का एक ब्यूटिफिकेशन जैसे होना चाहिए तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। जैसे DM सर ने हम लोग को बोला है कि कुछ हम लोग को जितने यहाँ पे जंक्शन है, चौराहे हैं, उसको और ब्यूटिफाई करना चाहिए, जैसे कि NCR वगैरह में होता है, तो उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। जो पार्क्स है यहाँ पे, पार्क्स का और ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए ताकि लोगों को उससे सुविधा हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सोच रहे हैं, जो जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रामगढ़ ताल में जैसे कि नया सवेरा बना हुआ है, उसमें वाटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है। फिर सी प्लेन वगैरह की वहाँ पे व्यवस्था होने जा रही है, वो भी लगभग फाइनल स्टेज में है। तो तमाम चीजें ऐसे गोरखपुर में आ रही हैं जिससे लोगों का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे शहर के काफी सब लोग महत्वपूर्ण जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और आप सभी लोगों का इसमें योगदान रहेगा कि शहर को कैसे हम सुंदर, स्वच्छ और पर्यटक के हिसाब से बनाएं हम सभी लोग मिलके, ताकि आने वाले समय में गोरखपुर अपने आप में एक मिसाल कायम। कार्यक्रम का आयोजन हुआ और मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, मुझे बहुत सारे यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल धरोहर के रूप में जो विकसित किए गए हैं और पर्यटन स्थल को देखने का मौका मिला, और अभी ये मत मेरा स्थिर हुआ है कि अगर गोरखपुर में हम कुछ और ना करें और सिर्फ टूरिज्म पे फोकस करें तो गोरखपुर के जो रोजगार सृजन की जो हमारी चुनौती है वो हम लोग पार कर लेंगे। इतना पॉसिबल है, कहां हम लोग आज खड़े हैं और कहां हमें जाना है। जैसे इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल इंडिया में 2018 में करीब 10 मिलियन था, 1 करोड़ था, और हाईएस्ट में फ्रांस है जहां पे करीब 9 करोड़ पर्यटक आते हैं इस तरह। और डोमेस्टिक टूरिज्म में भी यूपी ने काफी बढ़ोतरी की है, कोविड के दौरान भी करीब 4% वृद्धि हुई थी 2018 और 19 में उसके जस्ट पहले। तो हमें ये देखना है कि कैसे अन्य देशों में कैसे एक टूरिस्ट का एक्सपीरियंस क्या रहता है जो हम लोग एमुलेट भी कर सकते हैं, उसमें अपना कल्चरल एक्सपीरियंस भी जोड़ के कर सकते हैं। ये मैंने मरेनपुर जनपदों के अनुभव में भी और कुंभ में भी अनुभव किया था, जब पर्यटकों के एक्सपीरियंस पे, जैसे वहां पिलग्रिम एक्सपीरियंस पे हमने फोकस किया था, पर्यटकों के एक्सपीरियंस पे अगर फोकस किया जाए, उनके अनुभव को बेहतर करने के लिए अगर व्यवस्थित की जाए और एक कार्ययोजना विकसित की करके उसमें इंप्लीमेंटेशन प्लान बना के हम लोग अगर मिशन मोड पे लगे तो निश्चित रूप से टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ता है। और इसी सोच के आधार पर शासन ने यहाँ पे लगभग आप देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में 200 करोड़ से ज्यादा धनराशि अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के लिए और पर्यटकों के विकास के लिए अवस्थापनाओं के लिए किया है, जिसके लिए शासन को हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, और पर्यटन विभाग ने जो इसमें मुख्य भूमिका निभाई है उनका भी आभार करना चाहेंगे। जैसे अभी हमारे बीच जब करोड़ों लोग आते हैं और प्रशासन उसमें सभी लोगों को व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो कैसा एक शहर
अपने हर एक नागरिक उसके दरवाजे खोल लेता है, सारे दुकानदार खोल लेते हैं, सारे बोटमैन आगे बढ़ के आ जाते हैं और पूरा एक जनपद कैसे खड़ा हो जाता है लोगों को स्वागत करने के लिए, आतिथ्य भाव दिखाने के लिए। और एक सब दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, एक शहर के लोग सहभागी बन के आयोजन कैसे करते हैं, ये मैंने कुंभ में महसूस किया और मेरा इतना ज्यादा उत्साहवर्धन हुआ।